सबको राम राम, सबको प्रणाम। माता बहने, सबसे पहले आप लोगों को, इतनी देर से राह देख रही हो, इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ और आपने इतनी जोर शोर से हम सबका यहाँ स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। माता बहने, यहाँ जो नीचे बैठी हुई है वो भी, सबको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सब लोगों ने बड़ा प्यार जताया है, उसके लिए धन्यवाद। इधर मेरे सब भाई और बुजुर्गण इतनी संख्या में आए, आज आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने भी बहुत देर से हम लोग सबकी राह देखी है और इतनी गर्मी में सब लोग बैठे हम सबकी राह के लिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज आज मेरा ये समझिए छठा संभाग चालू हो चुका है और छठा संभाग और करीबन 9000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और राजस्थान का एक संभाग, डेढ़ संभाग अब मेरा थोड़ा सा बाकी है। पूरे राजस्थान के अंदर दौरा करने के बाद मैंने ये देखा कि 53 साल निकल गए हैं कांग्रेस राज के और कांग्रेस राज के 53 साल के बाद आज भी हमको हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। मैं जगह जगह पे जाके सब लोगों से पूछते हुए आ रही हूं और समस्या वही है। आप देख लेंगे कि गुजरात कितने आगे बढ़ गया, आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश कितने आगे बढ़ गया और वहां के लोगों को कितना आगे बढ़ाने का काम उनकी सरकारों ने किया है। उनके क्षेत्र की माताओं बहनों को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है, उनके बच्चों के लिए उनके पढ़ाई और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, उनके लोगों के लिए और उनके किसानों के लिए उन्होंने इंतजाम किया है। और आज अगर हम अपन देखें तो राजस्थान का चिट्ठा बिल्कुल खाली है, ना कहीं पानी है, ना कहीं बिजली है, ना कहीं डॉक्टर है, ना कहीं सड़क है, ना कहीं टीचर है। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर ये नहीं है तो हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं? कोई पैसा कैसे बनाएगा, कोई बड़ा आदमी कैसा बनेगा, कोई अपने खेत को कैसे सींचेगा? ये स्थिति आज पूरे राजस्थान में, फतेहपुर के अंदर जब मैंने पता किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि जलदाय विभाग के पेयजल सप्लाई पूरी तरह से अपर्याप्त है। शहर को दिन भर में आधा का एक घंटा पानी मिलता है मुश्किल से। अब आप समझो इतना बड़ा शहर, उस शहर के अंदर आधा घंटा या एक घंटा पानी अगर मिले तो कितने लोगों को नुकसान या फायदा है। एक साथ साथ बिजली अगर ठप हो जाती है तो फिर पानी और भी नहीं आए। अगर एक घंटा मिल भी रहा होता तो अगर बिजली ठप हो जाती है तो वो पानी तब भी नहीं आएगी। माताएं बहने, मैं सब दूर जाके देख रही हूँ, वही समस्या सब दूर है और आपके यहाँ भी है, ये मैंने पता किया। पर ये तो छोड़ो, इससे तो और भी खराब, ये पानी जो आपके यहाँ से निकल रहा है वो फ्लोराइड युक्त पानी है, उसमें बीमारी है। और आज जनता हमारे क्षेत्र की, उनको बीमारी युक्त पानी पीना पड़ रहा है, फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, एक एक टैंकर के हजार हजार रुपए देना पड़ रहा है। आज ये स्थिति हो गई है सिर्फ पानी के लिए। और फिर क्षेत्र को डार्क जोन कहलाया जाता है। अगर डार्क जोन है तो आप ये देख लीजिए, उसके अंदर कोई कुआं, कोई ट्यूबवेल, कोई आप बना ही नहीं सकते। आज ये स्थिति हो गई है कि पानी के लिए लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, गांव के अंदर झगड़े हो जाते हैं। आज ये स्थिति पानी की है। बिजली की बताओ भाइयों, आप लोगों को 8 घंटे बिजली 3 फेज की मिल रही है क्या? किसी को मिल रही है? किसानों को नहीं मिल रही है। माताएं बहने, आप लोगों के लिए मैंने एक ऐतिहासिक बिजली का इंतजाम करके गई थी। मैंने एक घरेलू बिजली की लाइन अलग करके सिर्फ घरों के लिए उसका इंतजाम किया था और जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली देने का मैंने काम किया था। और अगर रह जाते सरकार अपनी रहती तो मैं आपको बता रही थी कि 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिलना था। तो आप लोगों को आज मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है ना। या आपको मैं अभी कहती हूँ कि सरकार अपनी आएगी वापस तो मैं आपको ये वायदा करती हूँ कि आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, घर के अंदर मिलेगी। जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों को कहा था और करते करते छूट गया, ये 24 घंटे बिजली घरेलू आप लोगों को मिलने वाली है। माताएं बहने, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से पर्याप्त और साफ पानी,
ये अगर 53 साल के बाद हम लोग नहीं दे पाए तो आगे चल के जो सरकार आएगी हम लोग मिलके वो पानी को गांव तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश करेंगे और आप लोग तक ये साफ और ठीक पानी, ताकि बीमारी आप लोगों को ना हो, ऐसे पानी का इंतजाम करने की हम लोग सब कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका ये धानुका अस्पताल, इसमें आप लोगों को मुफ्त दवाई मिल रही है क्या? डॉक्टर तो है ना? एक भी डॉक्टर नहीं है? जांच आ रही है, आपकी हो रही है ना वहां? अब जब जांच नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल के अंदर काम करने वाले सही तरीके से नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को कहां मुफ्त दवाई और कहां मुफ्त जांच मिल सकती है? परंतु जयपुर के अंदर ये सबको बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की कि उन लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच करा के लोगों को बिल्कुल आराम में पहुंचा दिया है। क्या ये सही है? किसी को नहीं मिला है, मुझे ये भी मालूम है। क्षेत्र की सड़कों की क्या हालत है भाइयों? हम तो कहां कहां से होते हुए आ रहे हैं, गांव गांव की सड़कों के अंदर हमने देखा, सड़क तो नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों के ऊपर से आप लोग निकल के आ रहे हो, मैं वही देखते आ रही हूं। मैं तो आप लोगों को बधाई हो, इन रस्तों के ऊपर किस तरीके से चलते हो, मुझे नहीं मालूम आपकी बसें कैसे चलती हैं, परंतु ये सड़कें जिस तरीके से हालात खराब है, और मुझे आज गर्व है कि हमारी जो सड़कें जो हम लोगों ने जिसको हाईवे किए थे, जो आप लोगों के लिए हम लोगों ने बनाए थे, वो सड़कें आज भी मजबूती के साथ उसी के ऊपर लोग चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो सड़कें अभी भी आपके लिए है। आगे चल के मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सड़कों का काम होगा, फिर से होगा। जिस तरीके से राजस्थान की सड़कों के ऊपर लोगों को गर्व होता था, उस तरीके से आज फिर आने वाले समय के अंदर हम लोग वो करके देंगे। अब बताओ मुझे, जब बरसात हो जाती है, मुझे खुशी है कि बरसात हो रही है। पिछले दो दिन से मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, बरसात आ रही है, रिमझिम बारिश होती है, और मैं सोचती हूँ कि हमारी मीटिंग होगी नहीं, परंतु मीटिंग पहुंचते पहुंचते फिर बंद हो जाती है और मीटिंग के करने के बाद फिर से चालू हो जाती है। तो ये बरसात पूरे क्षेत्र के अंदर फैल गई है और बस स्टैंड के ऊपर 4-4 फीट तक पानी, ये मुझे बताया जा रहा है। और ज्यादा बरसात आ जाती है तो बाढ़ शहर के अंदर, ऐसी भी स्थिति है। और मैं ये कह रही हूँ कि इस गांव में, ये कोई गांव है जेठवा का बांस गांव, पिछले साल बरसात में बाढ़ आने से इस गांव में 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन नाम के ऊपर सरकार ने कुछ पैसे दिए और इनको जिस तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए था वो आज दिन तक नहीं मिला है। ये सड़कों के अंदर की बदतर हालत है। और मैं मंडावर से आ रही हूँ अभी, और मैं बता सकती हूँ आपको कि शहर गंदगी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, ये तो इससे बीमारी होनी है माताएं बहने, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक ऊपर की सरकार ऊपर से नहीं कहेगी कि ये सब काम आप अच्छी तरह से होने हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरीके से सरकार चलाने वालों को एक मिनट भी उस कुर्सी पे बैठने का काम नहीं देना चाहिए। सब लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि एक नया राजस्थान बने, उस नए राजस्थान के अंदर इन सब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक ऐसा राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़ा होने का काम करें। आज हमारे बच्चों के लिए कहीं जा नहीं सकते, पलायन करना पड़ रहा है। मैं सब बच्चों को यह कह रही हूँ कि आरपीएससी की जिस तरीके से पहले व्यवस्था अपन लोगों ने करी थी, उस तरीके से फिर से व्यवस्था अपन करेंगे और अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम फिर से शुरू कराएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे टाइम में जिस तरीके से 10 लाख बच्चों को नौकरी दी थी, आने वाले समय के अंदर भी उसी तरीके से हम लोग बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे, ताकि बच्चे इस तरीके से सड़कों पर नहीं घूमेंगे और किसी को जाके पलायन करने की जरूरत भी नहीं होगी। मैं किसानों को कुछ कहना चाहूंगी। मैंने देखा कि पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ बहुत बहुत नुकसान हुआ। सरपंच, हमारे प्रधान, प्रमुख, इन सब लोगों को हमने इसलिए चुना है कि वो हमारे सब काम अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर करें। हम चाहते हैं कि वो दौरा करें, हम चाहते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में जाएं और जो क्षेत्र उनको दे दिया गया है प्रधान के नाते, प्रमुख के नाते या सरपंच के नाते, उस क्षेत्र को और मजबूत करने की वो कोशिश करें। अपने समय में हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का सरपंचों के हिसाब से देने का काम किया था। हमारी कोशिश ये थी कि अंदर से छोटी सड़कें बन जाए, नालियां छोटी छोटी बन जाए और गांव के अंदर ऊपर के लोगों को आने की जरूरत ही न हो, वहां के लोगों का काम ही वहां चालू हो जाए। अब मैं देख रही हूँ सरपंचों से जब मैंने बात की कि स्थिति कैसे हो रही है गांव की, ऐसी कैसी स्थिति हो रही है, तो सरपंचों ने काम करते क्या सकते हैं,
हमारे पास का तो पैसा है और सरकार से पैसा मांगने जाते हैं, तो पिछले बार जब गए थे तो जोरदार डंडे पड़े, हमारी बात किसी ने मानी नहीं, सरपंचों की बेइज्जती की गई और उन लोगों को किसी को जेल में ठूंस दिया गया तो किसी को वहीं पटक दिया गया और वो उल्टे पैर बेचारे वापस लौटे। जो काम करने गए थे वो काम तो हुआ नहीं और सरपंचों को उल्टी लाठी पड़ गई और आज भी 10,000 रुपए से ज्यादा गांव के अंदर मिलती नहीं है। अब बताओ भाइयों, 10,000 रुपए से क्या काम होगा? कौन सी नाली बनेगी, कौन सा रोड बनेगा, कौन सा काम होगा? आज तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो मैं तो आज सुबह पेपर पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इन्होंने जयपुर के अंदर लाल कोठी सब्जी मंडी के अंदर भाव पूछे तो सब सब्जी माताएं बहने डबल डबल हो गई हैं। जैसे कहने के लिए आप लोगों को वहां बता दूं, मिर्च 30 रुपए से 60 रुपए हो गया है और आपके पालक अगर 10 रुपए से 20 रुपए तक हो गया है तो फिर गैस की काय को चिल्लाते हो? गैस तो होना ही है, सब चीज बढ़ गया है, पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया है, डीजल आपके 65 रुपए बढ़ गया है और ये तय हो गया है, निर्णय है कि हर महीने अपन 50-50 पैसे धीरे धीरे बढ़ा दें ताकि जनता को समझ में ही ना आए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से करीबन 25 बार ये पेट्रोल और डीजल के भाव जब से यूपीए सरकार आई है तब से बढ़े हैं और आज मैं देख रही हूं कि आपके अलग तरीके से भी अगर आप देख लेंगे तो ये पूरे महंगाई की जो योजनाएं हैं, किसान मेरे यहां बैठे हुए भाई ये मेरे को बताएं कि अपने समय मेरे समय के अंदर जब अपनी सरकार थी तो डीएपी खाद 485 रुपए प्रति बैग थी, आज कितने रुपए हैं सर? कितना है डीएपी कितना है? मेरे हिसाब से करीबन 1300-1260 तक है और इसी है ना। अच्छा, यूरिया 280 रुपए बैग हमारे समय था, आज करीबन 400-500 तक पहुंच गया है। गैस सिलेंडर हमारे समय में माताएं बहने जितने चाहो ले जाओ 261 रुपए का था, आज 9 तक आप ले जाओ और अगर 9 से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो तो 761 रुपए या 800 रुपए तक ले जाने का, कहां 1000 रुपए तक भी, 1000 रुपए तक भी जाना पड़ रहा है आज गैस सिलेंडर की हालत हो रही है। डीजल आपका 22 रुपए से 54 रुपए तक पहुंच गया, पेट्रोल आपका 33 रुपए से 72 रुपए तक पहुंच गया, अभी तक 100 पे नहीं आया, गनीमत यही है, ये तो चल ही रहा है। आपका चाय पत्ती माताएं बहने 80 रुपए से आप लोगों के 300 रुपए तक पहुंच गया है, कहीं 250 कहीं 300 रुपए, और अगर आप चीनी की बात करो तो 17 रुपए से 45-50 रुपए तक पहुंच गया है और ये चलता ही जाएगा क्योंकि जितना आप डीजल बढ़ाओगे जितना आप पेट्रोल बढ़ाओगे उतना ही महंगाई आपके साथ साथ बढ़ती जाएगी, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इतनी संवेदनशीलता नहीं रखी अपने लोगों के लिए, जिन लोगों ने आप लोगों की इतनी भी परवाह नहीं की, ऐसे लोगों को क्या कुर्सी पे बिठाने का हक है? क्या किसी का नहीं है? और मैं ये कह रही हूँ कि आज माता और बहने आप लोगों की सुरक्षा आपकी क्या हालत है, इसके तार तार कर दिए, सड़क पे नहीं जा सकते हो, बच्चियां बाहर जाती है तो डर लगता है, आपको मालूम है जब तक वो वापस घर नहीं आती तो लगता है कि हमारी बच्ची कहां चली गई। और इसके साथ साथ आप जानते हो कि अत्याचार लगातार हो रहे हैं, चैन रोज खिंचती है, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कोई ना कोई अत्याचार हो ही रहा है। अरे जब पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, महिला पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ा और वो भी पुलिस थाने के अंदर उनका बलात्कार और वहीं उनका कत्ल, अब ऐसी स्थिति हो जाती है तो इस महिलाओं की क्या होगी, ये भी आप सोच लीजिए। और जो परिवार के लोग अपनी महिलाओं की इज्जत को नहीं बचा सकते ऐसे परिवार के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मैं तो नहीं समझती उनका कुछ है। ये तो आज महिलाओं की स्थिति कर दी है, राजस्थान की इज्जत राजस्थान की महिला हुआ करती थी और आज राजस्थान की महिला की इज्जत को जब मिट्टी में मिला दिया है तो ये समझ के चलो कि राजस्थान की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। ये हमारा स्वाभिमान है, इनका स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान है और इसीलिए आज मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ यहीं से हमको शुरुआत करनी है, हमारी महिला से, हमारे बच्चों से, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से हो। अरे आज डॉक्टर की पढ़ाई करने कोई जाता है तो उसको 1 या 2 परीक्षाएं करनी पड़ती हैं और 5 साल के अंदर हमारे कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको 5-5 परीक्षाएं पास करनी पड़ती है टीचर बनने के लिए, यह स्थिति है और फिर भी उसको कोई गारंटी नहीं है कि उसको मिलने वाला है। यहाँ 60% कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं परंतु हम उसको भर नहीं पा रहे हैं।
हम भर नहीं पा रहे और रोज हम झूठे वायदे लोगों को करते जा रहे हैं। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, आपने देखा कि किसानों की क्या हालत हो गई, झुंझुनू के और यहाँ के। अब खाद बीज का जो समय आ गया है वो खाद और बीज समय पर नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो वो अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। किसान उसके बारे में रोता है और कहता है कि मेरी जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल के भी अच्छी तरह से हमको दाम नहीं मिलते हैं। तो किसान की कमजोर हालत, महिला की कमजोर हालत, बच्चों की कमजोर हालत, व्यवसाय की कमजोर हालत, क्योंकि विकास दर राजस्थान का पहली दफा 5% हो गया है, जबकि बिहार का विकास दर 16% है। भाइयों और बहनों, कहां 16% बिहार और कहां 5% राजस्थान। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब पूरे राजस्थान की ये गंभीर स्थिति हो गई है तो क्या आपने कोई नया सपना देखा नहीं? क्या आप लोगों ने नहीं सोचा कि एक ऐसा नया राजस्थान हो जाए जो सब दूसरे प्रदेशों से आगे चलने का काम करे? अगर गुजरात आगे जा सकता है, मध्य प्रदेश आगे जा सकता है, तो इतिहास का राजस्थान जिसका नाम सबसे पहले हुआ करता था, क्या वो राजस्थान आगे नहीं जा सकता है? हमारे जो बाहर के लोग फैक्ट्री लगाने आए थे वो सब इन पिछले 4 साल के अंदर अपनी अपनी फैक्ट्रियों को लेकर वापस चले गए। वो कहते हैं कि यहाँ तो इतनी रिश्वतखोरी है, और आप सब जानते हो एक ट्रांसफार्मर अगर चाहिए तो 25 से 30 हजार, एक डार्क जोन में कुआ अगर खोदने की जरूरत है तो कुएं तो खुद रहे हैं, परंतु 1-1 लाख रुपए जब कोई देगा तब तो आपको कोई माने कुआ मिलेगा। इस तरीके से हर चीज के ऊपर अगर हम रिश्वतखोरी करेंगे तो वो प्रदेश नीचे से खोखला होता जा रहा है। आज ये स्थिति हो रही है कि 4 महीने बाकी बच रहे हैं, इस 4 महीने के अंदर लोगों ने कितने भी खैराते हैं, कितने भी सौगाते बांटने का काम चालू कर दिया है। अरे आपको पेंशन चाहिए तो लाइन लगा लो, अगर आपको साइकिल चाहिए उसकी एवज में पैसा ले लो, अगर चावल नहीं मिला तो उसके पैसे ले लो, और माताएं बहनें अगर काम पे आपको 100 रुपए नहीं मिले और 100 दिन हो गए और नहीं भी हुए तो 2 साड़ी ले जाओ, और 2 साड़ी के साथ साथ अगर बच्चे हैं और वो थोड़े से भी बड़े हैं तो उनको कुर्ता पजामा दे दो, और कुछ बचा कचा नहीं है तो 1 थाली और 2 कटोरी भी ले जाओ, जो आपको चाहिए वो ले जाओ। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या है, क्या इन्हें नहीं देखा है कि इस तरीके से राजस्थान का बिल्कुल चौपट कर रहे हो? और अगर ये सब करना था तो आप लोगों ने पूरी तरह से व्यवस्थित स्कीम बना के 4.5 साल से हमको क्यों नहीं दिया? हमारी माताएं बहनों को क्यों नहीं पहुंचाया? यही पेंशन आपने पहले हम लोगों को क्यों नहीं दिया? आज 4 महीने के अंदर हमें क्या दिखाना चाह रहे हो? मेरे पास तो अफसरों ने आके ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो मैडम कि आने वाले समय के अंदर 2-3 महीने के बाद हम लोगों को तनख्वाह का पैसा ना मिले। अगर ऐसी स्थिति राजस्थान के अंदर हो जाएगी तो कहां राजस्थान और कहां दूसरे प्रदेश। कितनी शर्म आती है भाइयों और बहनों, और मैं तो ये कह रही हूं कि समय आ गया है, अगर हम लोग अब नहीं रुकेंगे और अब नहीं सोचेंगे तो मैं नहीं समझती कि कोई इस प्रदेश को भी बचा सकेगा। बचा तो सकता है तो खाली आप है, वो ताकत, वो जादू आपके हाथ में है, और वो जादू किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आप लोगों ने मुझे ये चुंदड़ी पहनाई और इस चुंदड़ी के साथ आपने मुझे विश्वास और अपना प्यार दिया। इस विश्वास और प्यार को बचाने का काम पिछले कई सालों से हमने किया है, और मैं आपको ये वायदा कर रही हूँ कि इसको करती जाऊंगी, परंतु इसके साथ साथ ये बदलाव आप ही को लाना है। और अगर आप लोग तैयार हो और अगर आप लोग चाहते हो कि एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान बने तो सब लोग अपने हाथ ऊपर करके राजस्थान के लिए एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, और एक राजस्थान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम तय करें एक ऐसा नया और सुंदर राजस्थान बने जिस राजस्थान के अंदर जब हम समृद्धि, सफलता और एक मजबूती आए, ताकि हम लोग सब आगे एक साथ मिलके चल सके, सब मजहब एक साथ और 36 के 36 कौम एक साथ और प्रेम से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान एक संपन्न और सुंदर राजस्थान बनेगा, जिसके अंदर हम सब के लिए जगह होगी, जिसके अंदर हम सब आगे अपना काम भी कर सकेंगे और अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज आप लोग सब यहाँ आए और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए, और माताएं बहनें आप लोग तक से मत नहीं हुई उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि हम लोग सब मिलके इस नए राजस्थान को बनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।